नमस्कार, मैं लिपिका लिपि किचन से। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पिज्जा विथ पनीर एंड बेबी कॉर्न। ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, क्यों और ये वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा डिश। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए रेड एंड येलो बेल पेपर, बेबी कॉर्न, पनीर, मोजरेला चीज़ एंड पिज़्ज़ा चीज़ और वाइट ऑनियन। मैंने यहाँ पे राउंड कट कर लिया है और अगर चाहे तो आप रेड ऑनियन भी ले सकते हो। और ये पिज़्ज़ा सॉस भी लिया है और दो पिज़्ज़ा बेस लिया है। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से पिज़्ज़ा के बेस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। उसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर दीजिएगा। उसके ऊपर पनीर ऐड कर दीजिएगा और उसके ऊपर से प्याज डाल दीजिएगा। आपको जैसे मर्जी वैसे आप सजा सकते हो। वैसे कोई बाउंड नहीं है कि वीडियो के जैसा ही करना है, लेकिन वेजिटेबल ज़रूरी है बेबी के लिए। तो कैसे भी करके बेबी को वेजिटेबल खिलाना है, चाहे पिज़्ज़ा हो कैसे हो। फिर बेबी कॉर्न ऐड कर दीजिएगा, फिर सारा बेल पेपर ऐड कर दीजिएगा और पिज़्ज़ा हर्ब्स उसके ऊपर से ऐड कर दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आपके पास ओरिगानो होगा तो वो ऐड कर दीजिएगा। और फिर उसके ऊपर से मोजरेला चीज़ डालिए और सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करके पिज़्ज़ा पैन में उसको ट्रांसफ़र करके मैंने ओवन को यहाँ पे प्रीहीट कर लिया था 220 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद उसको एक हाई रैक के ऊपर रखेंगे और उसको 14 मिनट के लिए पकाएंगे। यह हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अभी इसको हम सर्व कर लेंगे। चारों तरफ से काट के इसके अच्छे से पीसेस बना लेंगे और सर्व कर लेंगे। ये रेडी हो गया हमारा पिज़्ज़ा, चीज़ी वाला पिज़्ज़ा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।